हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन महरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर पोएम एंड द पोएम नेम इज अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक विच इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन ड्राइडन। सो हमने अलेक्जेंडर फीस्ट पोएम का फर्स्ट स्टैंजा कल कवर कर लिया। उससे पहले के वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन को कवर किया था, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो अपना वीडियो है, दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो होप आपको इसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश मेरी यही है कि आपको पार्ट थर्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो अलेक्जेंडर फीस्ट क्या है? ये एक सिकंदर के द्वारा दी गई दावत। क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने जो किंग डायरस है, कहाँ के किंग? पर्शिया के किंग जो डायरस है, उन पर विजय प्राप्त करी थी। और विजय प्राप्त करते ही जब वो आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी, ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करी, जिसका नाम जॉन ड्राइडन ने अलेक्जेंडर फीस्ट रख के उस पर पोएम लिखी। सो ये जो पोएम है वो एक ऑड है। जिसमें 180 लाइंस कंक्लूड है। ओके, हमने इसके फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि अलेक्जेंडर सिंहासन पर बैठे हैं, उनके दरबारी बैठे हैं उनके सामने, और उनकी बीलव्ड और ब्यूटीफुल जो वाइफ है वो उनके साथ ही बैठी है, जिसका नाम है थाइस। ओके, तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब आइए आप सेकेंड स्टैंजा में अपना जो टेक्स्ट है वो अपने सामने रख लीजिए। अब हम सेकेंड स्टैंजा को शुरू करने जा रहे हैं। Timotheus pleased on high amid the tuneful choir. Timotheus कौन है? Timotheus वही म्यूजिशियन है जिसके म्यूजिक को सुन सुन के हमें यहाँ पे अलेक्जेंडर के अलग अलग मूड स्विंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो Timotheus है वो हाई, यानी कि अपने सिंहासन पे या अपनी कुर्सी पे, अपनी चेयर पे, जहाँ भी उनका स्थान है बैठने का, वहाँ पे वो बैठे हैं। और वो प्लेस जो है वो हाई है, यानी कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। होता है ना, संगीतज्ञ जो होते हैं उनका जो प्लेस होता है बैठने का, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, ताकि उसकी जो आवाज़ है वो चारों तरफ आसानी से पहुँच पाए। सो एमिड द ट्यूनफुल क्वायर, तो वो क्या कर रहे हैं? ट्यूनफुल क्वायर यानी कोई अपना वाद्य यंत्र जो है वो बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं उसे। विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच्ड द लायर, यानी कि जो लायर उनका जो एक तरह से वायलिन या वाद्य यंत्र जो है उसे वो जब फिंगर से उसे टच कर रहे हैं, तो उनकी जो फिंगर्स उस पर चल रही है ना, वैसे लग रही है कि वो फ्लाई कर रही है। तो यहाँ पे फ्लाइंग फिंगर्स में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, फिंगर्स उड़ थोड़े ना सकती है। The trembling notes ascend the sky and heavenly joys inspire. The trembling notes ascend the sky, यानी उनके जो trembling notes यानी उनकी music को कहा है वो heaven तक पहुँच रहे हैं, यानी कि बहुत powerful उनका music है, सब उसके music को सुन पा रहे हैं। The song begin from joy, joy means joy से शुरू होता है उनका जो गाना है वो। Who left his blissful seats above? Such is the power of mighty love. यानी कि वो जो सब उनके सामने बैठे रहते हैं blissful seats पे, उसके सामने बैठे रहते हैं कौन? Alexander Feast. Alexander Feast का जो throne है उसे blissful seat कहा गया है। तो उस blissful seat पे जो बैठा है उसका जो mighty love है उसकी प्रेज करते हुए जो Timotheus है वो अपना म्यूजिक शुरू करते हैं, अपना सॉन्ग शुरू करते हैं। ए ड्रैगन्स फेयरी फ्रॉम बिलाइड द गॉड, यानी अब उनका जब वो शुरू कर रहे हैं ना उनके लिए गाना गाना, तो वो उनके जन्म से उनकी स्टोरी शुरू करेंगे, यानी जब वो पैदा हुए थे तब से उनकी स्टोरी शुरू करेंगे कि वो कैसे पैदा हुए। तो चलिए हम भी जान लेते हैं। ए ड्रैगन्स फेयरी फ्रॉम बिलाइड द गॉड, यानी जब जो गॉड है वो एक ड्रैगन का रूप धारण करके जब पृथ्वी पे आए थे। सब्लाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स ही रोड, तो वो क्या एक रेडियंट स्पायर्स ही रोड, एक रेडियंट स्पायर पे वो सवारी करके आ रहे थे। जब वैन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ली, जब उनकी नज़र ओलंपिया पे पड़ी। ओलंपिया कौन है? मैंने आपको लिखवाया था ना, ओलंपिया है मदर ऑफ अलेक्जेंडर। तो
तो जब गॉड ड्रैगन बनके पृथ्वी पे आए थे और उनकी नज़र उस अलेक्जेंडर की मदर ओलंपिया पे पड़ी तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए एंड वाइल ही शाउट हर स्नोवी ब्रेस्ट, यानी उनके फिजिकल ब्यूटी से उनकी ब्यूटीफुल फिजिक से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए. देन राउंड हर शोल्डर वेस्ट ही कर्ल्ड एंड स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ एज सॉवर्जिन ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे सॉवर्जिन यानी योद्धा किसे कहा गया है? पूरे संसार का सबसे बड़ा योद्धा या सबसे बड़ा राजा यहाँ पे अलेक्जेंडर को कहा गया है. और ये बता रहा है यहाँ पे हमें पॉइंट की ये कहा जाता है कि ओलंपिया की मदर से इम्प्रेस्ड होके गॉड ने उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे जिसके कारण अलेक्जेंडर का जन्म हुआ और इसी वजह से अलेक्जेंडर में गॉड लाइक पावर्स भी मानी जाती है. ओके, द राउंड हर शेल स्लेंडर वेस्ट ही कर्ल्ड एंड स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ एज सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड. द लिसनिंग क्राउड एडमायर्ड द लॉफ्टी साउंड. और जो पूरी क्राउड थी उसने, यानी जो भीड़ थी दरबार में, उन्होंने भी ये सुना और बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया. और अलेक्जेंडर ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया. क्यों? क्योंकि वो सन ऑफ गॉड है. इसलिए ए प्रेजेंट डाइटी द शाउट अराउंड, यानी कि उनके सामने जो प्रेजेंट है वो क्या है? एक दैवीय शक्ति है, यानी एक देव है एक तरह से. ए प्रेजेंट डाइटी द वेल्टर्ड रूफ्स रिबाउंड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है. ठीक है, कैसे करके उनकी प्रेज की जा रही थी? किसकी? अलेक्जेंडर की. और इसमें अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा प्राउडी फील कर रहे थे. विद रैविश्ड ईयर्स द मोनार्क हियर्स अज्यूम्स द गॉड अफेक्ट्स टू डॉन्ट एंड सीम्स टू शेक द स्पेयर्स. और ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि जब वो टिमेंथियस गाना गा रहा है तब ये सारी बता रहा है, गाना गाते हुए ये सारी बातें बता रहा है, प्रेज कर रहा है अलेक्जेंडर की कि आप तो क्या हो, आप तो सन ऑफ गॉड हो, तो आप में डाइटी पावर्स हैं, यानी कि आप में दैवीय शक्तियां हैं और आप द मोनार्क हियर्स, यानी कि आप तो यहाँ के क्या हो, मोनार्क हो. ओके, यानी कि यहाँ के राजा हो. अज्यूम द गॉड, जो कैसे माने जाते हैं, गॉड की तरह माने जाते हैं. अज्यूम्स लिखा है ना यहाँ पे, यानी कि गॉड की तरह आपको माना जाता है क्योंकि आप गॉड के पुत्र हो, यानी गॉड के सन हो. अफेक्ट टू नॉड एंड सीम्स टू शेक द स्पेयर्स, और आप ऐसे लगते हो कि आप में इतनी पावर्स है कि आप क्या कर सकते हो, सीम्स टू शेक, यानी हिला सकते हो. ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस पृथ्वी को स्पेयर, यानी गोला कौन सा है, जो अर्थ है, राउंड है अपनी अर्थ, तो उसके लिए बोला है कि आप में इतनी पावर्स है कि आप उस पूरे जगत को, पूरी पृथ्वी को भी शेक कर सकते हो, हिला सकते हो. तो यहाँ पे प्रेज की गई है अलेक्जेंडर की, उनमें गॉड पावर्स बताई गई है, उन्हें गॉड लाइक बताया गया है क्योंकि वो सन है गॉड के और ओलंपिया के. सो हियर वी कंप्लीटेड अवर सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. होप आपको ये स्टेंजा भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेंजा के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.